अच्छा, पाकिस्तान कब बना था? 1947 में। अच्छा, आपने मेहंदी क्यों लगाई है? मेहंदी क्यों लगाई? मेरी शादी हुई। अच्छा ठीक है। कौन सी रात थी जब अलामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? अच्छा। रात ही थी ना। नहीं, मैंने सुना है दिन को वो ये ख्वाब देखते थे। नहीं, दिन को कैसे देखते थे? चलो, बड़ी जबरदस्त अंग्रेजी बोलती हैं। यस। बड़ा शानदार अंग्रेजी बोलती हैं। थैंक यू सो मच। नो। तो सहाफी बनेंगी बड़े होके? जी इंशाल्लाह। अच्छा, मजीद कितना बड़ा होना है आपने? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फिदा दिल हूँ और सवाबी में मौजूद हूँ। विमेन यूनिवर्सिटी सवाबी, पहली ख़वातीन की यूनिवर्सिटी जो 7 साल पहले कायम हुई, और इस माहौल में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जोश खरोश है इस कॉन्वोकेशन में। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ़ कराइए। और आपने गोल्ड मेडल लिया किस शोबे में? MSc साइकोलॉजी। आई हैव डन माय MSc इन साइकोलॉजी सर। नाम क्या है तारुफ? ज़ैनब खालिद फ्रॉम शाह मंसूर, और यहाँ पे मैंने मास्टर इन साइकोलॉजी किया है सर। अच्छा, तो आगे क्या इरादे हैं? आगे इंशाल्लाह मैं अपनी फील्ड में जाना चाहती हूँ, मतलब आगे भी MPhil और सब कुछ साइकोलॉजी में ही करना चाहती हूँ जी सर। ठीक है। और कितनी मेहनत की है आपने इस मकाम तक आने के लिए? ये मतलब यहाँ पे पूरा दिन हम क्लासेस लेते थे और फिर रात को जाके एग्जाम्स के लिए और तैयारी करते थे। फिर बीच में कोरोना भी था, जिसकी वजह से जो है हमारा वो मतलब स्टडी का वो पूरा ख़राब हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपनी मेहनत और वो सब कुछ नहीं छोड़ा, प्रॉपर एग्जाम्स दे दिए और हार्ड वर्क किया, जिसकी वजह से आज मैंने गोल्ड मेडलिस्ट ली। अच्छा, अक्सर यूनिवर्सिटियों में को एजुकेशन होता है, यहाँ का माहौल थोड़ा सा बताइएगा। यहाँ का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह कुछ ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो बच्चों को अलाव नहीं करते क्योंकि को एजुकेशन होता है, तो ये यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे गर्ल्स के लिए है जो उनके पेरेंट्स उनको अलाव नहीं करते, तो यहाँ पे वो आके पढ़ सकते हैं। मतलब जिनको ख्वाहिश होती है पढ़ने की, तो वो यहाँ पे आके अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते। और ये यूनिवर्सिटी उन ममालिक के लिए कितनी बड़ी मिसाल है कि जो ख़वातीन के तालीम के ऊपर पाबंदियाँ लगाते हैं? ये उनके लिए तो एक बहुत बड़ी मिसाल होनी चाहिए, क्योंकि अभी आज जितने बच्चे, जितनी लड़कियां ग्रेजुएट होके गई है, तो इस तरह अगर इस तरह चलता रहा तो हमारी जो पूरी KPK है तो वो एजुकेटेड हो जाएगी। जितने पेरेंट्स पाबंदी लगाते हैं, मतलब अलाव नहीं करते बच्चों को, तो अभी ये जब देख लेंगे तो वो अपने बच्चों को भी अलाव करेंगे। शुक्रिया जी, अपना तारुफ कराइए जी। मेरा नाम फातिमा है, मैंने मास्टर ऑफ पाकिस्तान स्टडी में किया और मैं अभी कमीशन टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, पाकिस्तान कब बना था? 1947 में। अच्छा, आपने मेहंदी क्यों लगाई है? मेहंदी क्यों लगाई? मेरी शादी हुई। अच्छा ठीक है जी, आप अपना तारुफ कराएं। माय नेम इज़ रशंदा फ्रॉम पाकिस्तान से डिपार्टमेंट एंड आई हैव गॉट गोल्ड मेडल इन दिस। एंड आगे क्या इरादे हैं? आगे MPhil एंड देन PhD। अगर हो सके, अगर VC ने चाह के इस यूनिवर्सिटी में MPhil प्रोग्राम स्टार्ट करे तो बहुत थैंक उनकी। ठीक है, तो इधर से ही आप MPhil करना चाहते हैं? जी हाँ, इधर से। यहाँ का माहौल अच्छा है पढ़ाई के हवाले से? जी हाँ जी, ऑल फैकल्टी मेंबर आर वेरी हार्ड वर्क एंड कोऑपरेटिव, एंड द पर्सन व्हिच आई एडमायर सर जब्बार एंड मैडम मतिया, दीज आर। आज खुशी हो रही है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा। जी अपना तारुफ कराइए। मेरा नाम जवेरिया रहमान है और मैं पाक स्टडी डिपार्टमेंट से थी, यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन हासिल की है बस, और इंशाल्लाह आगे जाके MPhil का इरादा है। आपने भी पाक स्टडी में? जी। अच्छा। एक ही डिपार्टमेंट है। वो कौन सी रात थी जब अलामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था? अच्छा। रात ही थी ना। नहीं, मैंने सुना है दिन को वो ये ख्वाब देखते थे। नहीं, दिन को कैसे देखते थे? चलें, कन्वोकेशन में आपने डिग्री ली, खुशी हो रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और ये हमारा ख्वाहिश है कि यहाँ पे MPhil आ जाए। अब अभी तक पाक स्टडी डिपार्टमेंट का नहीं है, तो इंशाल्लाह यहाँ पे MPhil और फिर PhD। आपका तारुफ?
मेरा नाम आसमा है और मेरा डिपार्टमेंट पाकिस्तान स्टडी है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। मैंने आज जो डिग्री ली है एमएससी कंप्लीट की है इस यूनिवर्सिटी से, सो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई वांट दैट आई कैन गो टू मच अप एंड आई कैन डू एमफिल एंड पीएचडी एंड वी कैन डू फॉर दिस कंट्री समथिंग बिकॉज दिस इज़ आवर आवर कंट्री एंड आवर टीचर डिड टू मच स्ट्रगल, सो आई वांट टू डू समथिंग न्यू फॉर दिस यूनिवर्सिटी फॉर दिस पीपल फॉर आवर कंट्री फॉर आवर विलेज। सो आई माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त अंग्रेजी बोलती हैं। यस, बड़ा शानदार अंग्रेजी बोलती हैं। थैंक यू सो मच। चलें, मुबारक हो आपको। आपका तारुफ? जी, मेरा नाम अनीला है और मैं बुनेर से हूँ। अच्छा, बुनेर की हैं आप? बुनेर कोई को? अच्छा जी, और मैं यहाँ पर पढ़ने आती थी। हमारे यहाँ तो ज़्यादातर एजुकेशन का जो है वो निज़ाम अच्छा भी नहीं है ना, तो पश्तून है अपनी पठान गर्ल्स पे जो है ना ज़्यादा तालीम की इजाज़त नहीं देते, देते भी है तो मैट्रिक तक ही दे देते हैं। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। तो मेरे जो अबू है वो बहुत सपोर्टिंग है मेरे, कल भी आए थे मेरे साथ, पूरा दिन गुजार लिया यहाँ पे, बाहर मेरा वेट कर रहे थे। आज भी आए हैं मेरे साथ, बुनेर से हम आते हैं यहाँ पे, तो रास्ते में भी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मेरे जो अबू है वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है कि आज मैं जो भी हूँ अपने अबू की वजह से। आपके अबू आए हैं इधर? जी जी, यहाँ अंदर नहीं, बाहर मेरा वेट कर रहे हैं। तो क्यों अंदर क्यों नहीं आए? मैं अपनी अम्मी को साथ लेके आई थी ना, तो वुमेन यूनिवर्सिटी कह रहे थे कि अबू जो है ना नहीं अलाउड है, पता नहीं आज फिर आए थे, बहुत सारे आए थे, लेकिन हमें तो यही कहा था। चले, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, आपके पेरेंट्स को भी मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका तारुफ? सलाम, मेरा नाम मशाल खालिद है, मैं आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक था, जो कि अभी मुझे डिग्री मिली है तो नहीं। तो आर्ट से ताल्लुक ख़त्म हो जाता है क्या? ख़त्म तो नहीं हुआ, खैर वो तो रहेगा, लेकिन जो यहाँ से जो यूनिवर्सिटी से जो हमारा ताल्लुक था तो वो आज हमारा कन्वोकेशन था, तो बस वो यहाँ से। तो मज़ीद नहीं पढ़ना चाहती हैं? नहीं, ज़रूर पढ़ेंगे। आगे क्या इरादे हैं? इंशाल्लाह एमएस करेंगे। मैं वो कहाँ से करेंगे? वो शायद अब्रॉड से करूँ, और यहाँ पे तो यहाँ पे एमफिल और एमएस का है ही नहीं, या तो सिटी जाके करना पड़ता है और या फिर बाहर, तो चाहिए इनको भी कि आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट का भी यहाँ पे एमफिल और एमएस का कोई सीन हो ना, तो ताकि हमारे लिए आसानी हो। फिर बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो जी। जी, आपका तारुफ? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साइमा लियाकत और मैं बीए साइकोलॉजी से अभी यहाँ से ग्रेजुएट हुई हूँ, 2017 to 2021 की ग्रेजुएट हूँ। और अभी चूँकि कॉन्वोकेशन थोड़ा लेट जो है उन्होंने किया है, 5 years हमने वेट किया है। अच्छा। तो आई एम नाउ कम्प्लीटिंग माई एमएस स्टडीज़ फ्रॉम बेरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एज वेल। यस, और मैंने गोल्ड मेडल लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक। जज़ाकअल्लाह। सिक्योरिंग द हाईएस्ट CGPA अमंग माई बैच मेम्बर्स, सो आई अर्न्ड दिस। चलें, अल्लाह मुबारक करे। और ये जो ताखीर हुई है, इसका आप की नफ्सियात पे असर हुआ है? नो नो नो, वी हैव वेटेड फॉर दिस ईगरली, बट दिस वाज लाइक प्लेजर मोमेंट फॉर अस, क्योंकि बहुत से तालिबात ग्रेजुएट होते हैं तो ये एक रूल है कि स्पेसिफिक टाइम बाद ही जो है कन्वोकेशन को अरेंज किया जाता है, तो इट्स अ गुड थिंग कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए एंड देन कन्वोकेशन वाज अरेंज, सो इट्स अ गुड थिंग। जी, आपका तारुफ? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंता है, मैं आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज हमारी कॉन्वोकेशन थी, फाइनली हम ग्रेजुएट हो गए हैं। वुमेन यूनिवर्सिटी सवाबी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्पेशली हम कैपिके के लोगों को, वेमेंस को, लड़कियों को जिनको बाहर दूर जाने की इजाज़त नहीं होती, उनके लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, बहुत इंजॉय किया है, और आज की कॉन्वोकेशन भी बहुत अच्छी रही है। ख़वातीन की तालीम कितनी ज़रूरी है लड़कियों की? लड़कियों की तालीम बहुत ज़रूरी है क्योंकि बीइंग मदर के एक मतलब एक माँ ही एक मुआशरे को प्रॉपरली एक तकमील देती है, माँ अपने बच्चों को सिखाती है, तो ख़वातीन की तालीम जो है बहुत ज़रूरी है। जी, मुख्तलिफ स्टूडेंट से हम बात कर रहे हैं और एक स्टूडेंट नज़र आई हैं, तो आपका तारुफ क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमा हाशिम है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। मैंने आज जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ले ली है
और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सब इस डिपार्टमेंट में आएँ और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। तो सहाफ़ी बनेंगी बड़े होके? जी इंशाल्लाह। अच्छा, मज़ीद कितना बड़ा होना है आपने? सर मैंने फील्ड में काम करके आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। तो सवाबी में क्या ऐसा माहौल है कि एक खातून बतौर सहाफ़ी काम कर सकती है? सर मेरे ख्याल से फ़िलहाल तो नहीं, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ज़रूर होगा। तो ज़्यादा रुझान आपका किस तरफ है, रेडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया? मेरा रुझान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ है, और मैं न्यूज़ कास्टर बनना चाहती हूँ। न्यूज़ मतलब खबरें पढ़ना चाहती हैं सिर्फ? जी नहीं, एज अ जर्नलिस्ट मैं सारे काम सीखना चाहती हूँ। मतलब वहाँ पे खबरें लिखी हुई आपको दी जाएंगी और आप सिर्फ रीड आउट करेंगी तो न्यूज़ कास्टर बनना चाहती? मुझे जहाँ भी मौका मिलेगा मैं हर काम सीखने की कोशिश करूँगी और इसमें आगे बढ़ने की कोशिश भी करूँगी। तो आप बतौर स्टूडेंट क्या समझती हैं कि हमारी सहाफ़त जो है वो गैर जानबदार नहीं रही, दो मुख्तलिफ इंतहाओं में तकसीम हो गई है? सर मैं समझती हूँ आजकल सहाफ़त बहुत ज़्यादा तकसीम हो गई है और लोग ज़्यादा मटीरियलिस्टिक बन गए हैं, पार्टीज़ बन गई है। जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी, आजकल मीडिया में भी यही काम चल रहा है, एक के फेवर में और दूसरे के अगेंस्ट में। मेरे ख्याल से मीडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए, मीडिया को गैर जानबदार रहना चाहिए। बिल्कुल। चलें, आपको अपनी डिग्री मुबारक हो और अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी।